नहीं साथियों, महानंद अरेना ग्राउंड उज्जैन के बाहर 14 जून फिजिकल एमपी पुलिस का हॉक कंप्लीट हो चुका है। और हमारे यहाँ कर जो धावक है, इन आज हमारे यहाँ पर कितने 6 लड़के थे और 2 लड़कियाँ, तो ओवरऑल 100% रिजल्ट हमारा इस ग्राउंड का रहा है। टोटल हमारे 11 बच्चों ने आज फिजिकल दिया, जिसमें जबलपुर के अंदर 2 बच्चे फेल हुए, 1 पास हुआ है। तो 11 में से 9 हुए हैं ना, 11 में से 9 है, देख एक दो लड़के एक कहीं और भी फेल हुआ है। टोटल 11 में से 9 बच्चे फिजिकल क्वालिफाई किया, मतलब 80-90% रिजल्ट अपना रहा है। और एरिना ग्राउंड का तो 100% रिजल्ट है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे एकेडमी का जा रहा है। और हमारे बीच में अब बहुत सारे बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई होता है, अन्य एकेडमी का और सेल्फ वालों का भी, सबका हम वाइवा नहीं ले पाते, सब लोगों का मतलब रिव्यू नहीं दे पाते। बहुत सारे हमें कमेंट करते हैं कि सर अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चे को भी दिखाइए। तो कैसे दिखाएं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये आपके सामने 6 बच्चे हैं, 3 लड़के, 2 लड़के अभी ने उनका रिव्यू लिया है। तो मैं बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं उनका एक डिमांड है कि सर आप बच्चों से उनके नंबर, उनकी कैटेगरी और उनकी शिफ्ट पूछें। तो मैं एक एक करके पूछूंगा। तो क्या आपका नंबर कितने हैं? 68 नंबर है सर। और कौन सी शिफ्ट में? नो फॉरवर्ड सेकंड शिफ्ट। कैटेगरी कौन सी? SC। SC कैटेगरी। आज आपका दौड़ के टाइम में टाइमिंग यहाँ पर क्या आया और प्रैक्टिस में क्या आया करता था? सर प्रैक्टिस में भी 30-31 आता था और आज भी 2-30 आया है। 2-30 आया। मैदान अच्छा है? हाँ सर, वो उधर हेमर की जाली के पास थोड़ा खराब है, बाकी थोड़ा कीचड़ हो रहा है उस साइड। हाँ, ज्यादा कीचड़ तो नहीं है? नहीं है सर। नंगे पैर दौड़ लगाई या शूज में लगाई? शूज में लगाई सर। शूज में लगाई आपने? और गोला फेंक लंबी कूद एक ही बार में क्लियर सर। देखिए ये इसके बारे में तो क्या है कि ये बच्चा ऐसा है कि पूरे मैदान में कीचड़ कर दो तो भी दौड़ जाएगा, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम तो फिजिकल के अंदर चलो होने नहीं। और लॉन्ग जंप इतवारी बहुत लंबी जाती है, गोला फेंक भी बहुत लंबा फेंकते हो, तो बहुत आउटस्टैंडिंग हमारे यहाँ के स्टूडेंट है। और क्या कुछ बताओगे, अनुभव क्या रहा हमारा यहाँ प्रैक्टिस का? सर हमारी जीत के पीछे बहुत बड़ा जादू यहाँ है, और वो है हमारे बाप सर VH डिफेंस अकेडमी, और हमारे सत्यम सर और अनुज सर, नेहा मैडम। देखिए दोस्तों, जादू कुछ नहीं होता है, जादू हमारी मेहनत में होता है। जो जितनी मेहनत करता है उसको इसका परिणाम उसके सामने आता है। तो जादू आपके परिश्रम का, और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, जादू की छड़ी मेरे पास होती तो मैं किसी को फिजिकल फेल नहीं होने देता हमारे बच्चों को। बस यही चाहूँगा कि आने वाले बच्चों का एक ही है कि वो जादू अपनी मेहनत से करें, और आपके परिवार का को देखें सामने, उनका चेहरा याद रखें, माता पिता का, कि सबसे ज़्यादा खुशी दुनिया में किसी को होती है आपकी सफलता की, ये तो आपके माता पिता की होती है। निश्चित रूप से आपके माता पिता बधाई के बाद रहे। हमारे बीच है आशु धाकड़। आशु धाकड़ जो है हमारे ग्राउंड पर आशु के नाम से फेमस है, लेकिन इनका नाम कुछ और है। तो आप बताइए आपका ओरिजिनल नाम क्या है, आपके नंबर कितने आए और कौन सी शिफ्ट में थे? मेरे को यहाँ पे VS अकेडमी के अंदर कन्हैया के नाम से बोला जाता है और मेरा पेपर 2 फरवरी 2nd शिफ्ट में था, और 81 नंबर है, और OBC से मैं बिलोंग करता हूँ। और फिजिकल के ट्रेनिंग में आपका टाइमिंग क्या आया करता था? मेरा लास्ट टाइमिंग था 29 मई को जो लास्ट टाइमिंग थी वो 2:44:45 थी, और आज भी 2:44 ही बेस्ट आई। 2:44 से आई। मैं बताऊँ, आंसू जो है वो खतरनाक जो है तकलीफ होती है शीन स्प्लिंट, जो शीन पेन जिसको बोलते हैं, उससे ग्रसित था, और फुल टाइम लंगड़ा लंगड़ा ही ये 1 महीने तक लंगड़ा हाट में ही रही, और तब से यही प्रॉब्लम थी, कभी नी पेन, कभी सीन पेन, कभी थाई पेनिंग, थाई खींची हुई थी, आज भी खींची हुई। देखिए आशु ने बहुत स्ट्रगल किया, और बस इसकी सफलता में मुख्य इसका जो किरदार रहा वो ये रहा है कि इसने हार नहीं मानी, और टूट फूट के बावजूद भी लगा रहा ग्राउंड पर। हमारे रेस का लंगड़ा घोड़ा था, तो लंगड़ा घोड़ा भी रेस को जीत गया। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाकी लोगों के लिए मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था कि सभी लोग क्वालिफाई करेंगे। आशु को लेकर ये था कि वो लंगड़ा घोड़ा है, कि ऐसा ना हो कि दर्द की वजह से रेस को छोड़ दे, लेकिन 2:44 में आपने बेस्ट हो सकता था। अगर वो पीछे का ग्राउंड अगर अच्छा होता तो 2:40 के अंदर आ जाती रेस। अच्छा, वो उधर से कीचड़ थोड़ा हो रहा है वहाँ पे, जैसे बता रहे हो पैर दब रहा है, जहाँ से उठाने का था वहाँ पे पैर दब रहे थे, जिस कारण से उठा नहीं पाया लास्ट को उठाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, वो जो एरिया है अब पानी मेरे ख्याल में प्री मानसून जा चुका है, अब गीला नहीं होगा। आने वाले दिनों में मैदान बहुत अच्छी कंडीशन में रहेगा,
आशु जो है आपका क्या सफर रहा, क्या आप ग्राउंड के बारे में कहना चाहोगे? जिस टाइम पर आया था उस टाइम पे तो मेरी चलने की कंडीशन भी नहीं थी। मैंने सर को कॉल किया कि सर ऐसी कंडीशन है, तो आपने बोला कि जिम जाना पड़ेगा नेहा मैम के सानिध्य में। तो फिर मैं नेहा मैम के सानिध्य में रहा और 8 दिन में मैं ठीक हुआ। फिर भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। और आपका सर हर राउंड पे एक एक ध्यान था कि आशु खींच। जब 5.5 लगाने तो 5.5 लगाने ही रहते थे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला मेरे को। और आज जो आया है सब VS स्टाफ की, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये आपका जुनून बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि पहली बार जब आए थे हमारे यहाँ पर दोनों घुटने सूजे हुए थे, और 8 दिन आपको हमारे यहाँ की जो कोच है नेहा मैम ने आपको जिम में जो है लेग एक्सरसाइज करी, आपके घुटनों को ठीक किया, और लगातार आप बने रहे। आपने मुझे बताया ग्राउंड छोड़ा ही नहीं आप बहुत लंबे समय। कहाँ से हैं आप? मैं मंदसौर जिले से हूँ। मंदसौर जिले से यहाँ उज्जैन में रहे और आपने प्रैक्टिस की और घर गए नहीं, घर एक आध बार कभी गए होंगे। तो ये आपका समर्पण, त्याग, परिश्रम ही है जिसका आपको परिणाम मिला है। दोस्तों जो भी है त्याग, तपस्या और परिश्रम से ही मिलता है दुनिया में, और आशु ने उसको सिद्ध कर दिया, चरितार्थ कर दिया। तो आपको बधाई, और हम आपकी आगामी एक बड़ा टारगेट आपने ले रखा है सब इंस्पेक्टर का, तो आपका जो नाम है आशु धाकड़, तो आप है ना धाकड़ सब इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाएं आप, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह बहुत अच्छा दौड़ लगाता है, और कोई डाउट ही नहीं था फिजिकल पास करेगा कि नहीं करेगा, वो अच्छा से लॉन्ग जंप वगैरह सब क्लियर थी। तो आप बताइए राजपाल सिंह के आपका नंबर कितने है और कौन सी डेट में था? सर मेरे 83 नंबर है जनरल कैटेगरी से, और 3 फरवरी फर्स्ट सीप में मेरा पेपर था। देखिए 83 नंबर जनरल कैटेगरी के अंदर है, और इनका जो है फिजिकल बहुत तगड़ा है। और क्या टाइमिंग रहा आज आपका, और ट्रेनिंग में क्या आया करता था? ट्रेनिंग के टाइम मेरा टाइम 38-40 के समथिंग आया करता था, और आज 36 आया है। अच्छा आज 36 आया आपका टाइमिंग। लॉन्ग जम्प गोला फेंक? सर लॉन्ग गुलाफ एक बार में चला गया था, और जंप एक फाउल हो गई थी, और फिर सेकंड टाइम में अच्छी चली गई। सेकंड टाइम में चली गई थी, क्या अनुभव रहा आपका? क्योंकि आप कौन से गांव से पास का, कायथा गांव से रेगुलर अप डाउन किया, और आप कितने बच्चे आया करते थे वहां से? सर हम 4 आया करते थे, और अभी मैं दूसरा हूँ, एक भैया थे जिनके पैर में वो था, और बाकी 2 भैया हैं उनका 24 तारीख को। आपके साथ वाले 2 बच्चों का फिजिकल 24 को आज आपका हो गया क्वालिफाई करके। इसके पहले इनके यहाँ से एक भैया आए करते थे, वो फिजिकली थोड़े वीक थे, उनका फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कहा था कि अभी 2 बच्चे हैं, 2 में से भी सबका फिजिकल क्वालिफाई होगा। तो आपको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं सर, मैं स्पेशली लॉन्ग जंप के लिए आया था, मतलब मेरे को लॉन्ग जंप में काफ़ी दिक्कत आती है, मैं जंप नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मैंने सर से बोला, सर ने स्पेशली मेरे को 1 घंटे के लिए बुलाया, और मेरे को उस टाइम एक ही दिन में मतलब मेरा पूरा जंप करवा के माने सर, उसी दिन एक ही दिन में मेरा पूरा जंप आया था। मैं 4-5 जंप करवाए सर ने, पूरे टेक्निक और सब बताया, और उसी दिन से फिर मेरा जंप आने लग गया था। चलिए बधाई, आपके नंबर ही बहुत अच्छे हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन मेरा सभी बच्चों से कहना है कि आपने जो है परिश्रम करते रहना है, कि 2017 की तरह 2023 भी स्वर्ण काल है, बहुत सारी वैकेंसी आनी, बड़ी बड़ी एग्जाम आनी, ये आपने ले ली है, ये तो 2020 वाली वैकेंसी थी। अब 2022 में 23 में जो भी बड़ी एग्जाम आने वाली है उसकी मेहनत करें, क्योंकि आप लोग रेस में लगे हुए हैं, रेस आपने इसको स्टार्ट नहीं करनी, आप रेस करें मैं शामिल है। आपने अच्छी पढ़ाई की है, थोड़ा फिनिशिंग देना है ताकि आप अगली एग्जाम को टारगेट करें। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि संतुष्ट होकर घर पे बैठ गए। 2023 में जिसने ले लिया बड़ा वो ले लिया, फिर 2023 का पता नहीं एग्जाम कब आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी कल से ही फिर से नए टारगेट की ओर, इससे बड़ा टारगेट। ऑल द बेस्ट। हाँ जी ऑल द बेस्ट। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? जयराज सिंह। कितने नंबर है आपके और कौन सी डेट में थे? 70 नंबर है और 18 जनवरी ओबीसी 18 जनवरी 70 नंबर है आपके। और फिजिकल में आपका क्या टाइमिंग आया करता था और आज कितना आया? सर ऐसे 2:41-2:42 आया करता था, आज 39 आया है। आज 2:39 आया। तो क्या कहाँ से हैं आप? मैं मंदसौर जिले से। मंदसौर जिले से, तो उज्जैन में आप ट्रेनिंग करने VS एकेडमी में आए थे? हाँ सर। आपको कैसे पता पड़ा था आपको यहाँ ट्रेनिंग करना है? सर मेरा एक फ्रेंड पहले से यहाँ आर्मी का तैयारी कर रहा था ना, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी रनिंग की नहीं थी, तो वो बोले कि वो सर सब सिखा देंगे तेरे को, तू जा वहाँ पे। अच्छा आप आ गए, आपको फायदा मिला इस चीज का? हाँ सर। चलिए तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए और जिनका फिजिकल आगे में डेट वन के लिए, क्या संदेश है? सर उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं दौड़ सकता हूँ तो वो भी दौड़ सकता है, क्योंकि मैंने 3 महीने से पहले कभी रनिंग नहीं की थी ना, कभी लॉन्ग जंप वगैरह कुछ भी नहीं किया था। सब क्लियर कर लिया? हाँ सर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन राठौर।
सचिन राठौर, सचिन राठौर तो ऐसे इसके बारे में क्या कहूँ, मेरे को पूरी जान ये है कि पहले के 10-15 दिन में ये सचिन एकदम हवा की तरह उड़ के लॉन्ग जंप करता था और रनिंग बहुत अच्छी थी और गोला फेंक भी बहुत अच्छा, गोला फेंक थोड़ा वीक था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद थोड़ा अपन 10-15 दिन वर्कआउट किया, बस ये टाइम पास कर रहा था कि ग्राउंड में कब फिजिकल देने का मौका मिले और फिजिकल पास हो जाऊँ। इनकी एक बहन भी हमारे यहाँ की स्टूडेंट थी और वो CISF में है, फिर वो CISF के अंदर कॉन्स्टेबल है और इनकी जो बड़ी बहन है वो भी तैयारी कर रही है, वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही है और उन्हीं का सपोर्ट, उन्हीं का बिल्कुल पूरा मार्गदर्शन, फुल टाइम उनकी उसकी चिंता रहती थी, मुझे फ़ोन लगा के पूछा करती थी। सचिन आपकी बहन का बहुत बहुत उसको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से और आपको जो है मान के चलना कि आपकी बहन का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, मार्गदर्शन पूरा के ये करना है, अब ये करना है, देखो कोचिंग वहाँ जाना है, VS पे कोचिंग जाना है, अच्छा बड़ा बहुत आपको बहुत अच्छा उन्होंने किया और आगामी जो भी एग्जाम आने वाली निश्चित रूप से वो भी सफल होगी और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी, समाज के लिए बड़ी बात होगी, एक ही परिवार के दो बच्चे अभी जॉब में लग जाएंगे और तीसरी जो है बड़ी एग्जाम में हो जाएगा, उसका 2017 में सब इंस्पेक्टर पास था, फिजिकल में वो फेल हो गई थी। तो आप बताइए कि आपके जो है नंबर कितने हैं, कैटेगरी कौन सी है और किस डेट में था? सर 25 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में था, 65 नंबर है और ST कैटेगरी। ST कैटेगरी से आपके, तो आपका यहाँ का सफर रहा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? सर बहुत अच्छा रहा, मतलब कि कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी कोई जैसे कि ज़्यादा रगड़ा नहीं कभी भी, बस नॉर्मली रोज का वर्कआउट करते रहे, टाइमिंग अच्छा आता रहा, धीरे धीरे अच्छा आता रहा। हाँ। कौन से गांव से आप? महितपुर सिटी, महितपुर के पास पे गांव से आप? महितपुर, प्रॉपर महितपुर सिटी के। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए यहाँ 2:29 आता था टाइमिंग और आज 2:28 आया, आज 2:28 आया, बहुत आसानी से तुमने प्रैक्टिस में भी मेहनत कहाँ करी, तुम्हारा ऐसा लगता था बस के पूरा वर्कआउट करना है क्योंकि बाहर भी खाई थी उसके चक्कर में। बहुत बहुत बधाई आपको, क्या नाम है तुम्हारा? शिवराज सिंह राठौर। शिवराज सिंह राठौर, आप पे कितने नंबर है? सर मेरे 75 नंबर EWS कैटेगरी से। EWS 75 नंबर है, इनकी और डेट कौन सी है? मेरी 17 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट, 17 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट है। और ऋषिराज में आपको भी देख रखा था, मैंने कोई डाउट ही नहीं था, आप मुझे परसों मिले थे, मुझे पता था आप आसानी से फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग में आपको देखा आप ऐसे ही लंबी कूद क्या कर ले करते थे और आसानी दौड़ जाया करते थे, तो ट्रेनिंग में आपको कितना टाइम आता था और आज कितना आया? मेरा 2:38 बेस्ट था और आज 2:35 आ गया। आज 2:35 आ गया आपका, लंबी कूद गोला फेंक? लंबी कूद मेरी सर 16-17 फीट आराम से गई और गोला भी 23-24 आपने फेंक दिया। तो क्या सफर रहा और कहाँ के रहने वाले आप? मैं साजापुर जिले के रूपापुरा गांव से रहने वाला हूँ और यहाँ पे मैं 1 मई को आया था। 1 मई को आया, तो स्टार्टिंग में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था और थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था मेरे में, तो जब यहाँ पे आया तो सर से बात हुई, मिला तो सर ने बहुत मतलब मोटिवेट किया और मतलब मेहनत के प्रति जागरूक किया, तो वैसे ही करते गए और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया टाइमिंग देते गए और सर के आशीर्वाद से आज क्वालिफाई भी हो ही गए हैं। सर तो मेरे को ऐसा लगता है रेगुलर आप बहुत कम आए। हाँ सर, मैं बीच में घर भी चले गया था, 15-16 दिन ही आया हूँ मैं, एक अगर सही साठ माने तो 15 या 20 दिन। हाँ, और सर का बहुत सपोर्ट रहा, सत्यम सर का, नेहा मैम का, अनुज सर का और खासकर तो सर का, कि हर कोई सी भी समस्या का समाधान सर अगर आपको कहीं तकलीफ भी हो रही है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है या कोई और समस्या भी है जिससे मानसिक तनाव या कैसा भी, तो सर ने बहुत सपोर्ट किया है। देखिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपकी आपकी मेहनत ही है और आपने हमारी आपकी मेहनत का जो श्रेय है इसके लिए धन्यवाद कि आपने हमारी टीम को दिया, क्योंकि तो हमारी टीम जो है उसका काम था ये कि आप लोगों को मार्गदर्शन देना, आप पे ध्यान रखना, लेकिन जिसने मेहनत की, जिसने पूरा ध्यान लगा के मेहनत की उसको जरूर रिजल्ट मिला है। तो और कुछ कहना चाहोगे हमारी एकेडमी के विषय में और लोगों को, जो बच्चे फिजिकल देने आने वाले उनके लिए क्या क्या होगे? जो अभी फिजिकल देने आने वाले उनको तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बिल्कुल भी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में मत गिरें, बहुत अच्छा ट्रैक बना रहे हैं वो लोग, वो यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पास होए और बहुत सपोर्टिव है अंदर, आप बस कॉन्फिडेंस रखें और 90% आपको कॉन्फिडेंस पे ही आप पास होंगे। और सर के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए यहाँ पे और प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बाकियों में और सर में क्या अंतर है, एक दिन में ही पता चल जाएगा। चलिए देखिए ऋषि आपका जो है आपने जो कहा हमारे लिए वो उसके लिए मेरे पास भी शब्द नहीं, क्योंकि मैं ऋषि के बहुत सारी बातें मेरे पास में, ऋषि जो है बहुत ईमानदार, वो अच्छा स्टूडेंट है, ईमानदारी से काम किया, ऐसे सब कुछ किया। और बाकी वीडियो लंबा हो गया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।